नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप सीधे पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं आज तक, क्योंकि 44 सीटों पर मतदान चल रहा है। अलग अलग अब 2 घंटे का समय बीत चुका है मतदान के शुरू हुए, लेकिन कूच बिहार के से एक हिंसक झड़प की जो खबर सामने आ रही है उस पर सबकी निगाहें हैं। कूच बिहार में इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर हिंसा की घटनाएं होती रही हैं और चिंता का सबब वो इलाका बना रहा है। सीतलकुची इलाके में वहां पर एक पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। कई लोग घायल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 3 दिन पहले यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और उनकी तरफ से आरोप लगा था कि टीएमसी की ओर से यह आक्रमण किया गया है। 2 हफ्ते पहले भी कूच बिहार के इन क्षेत्रों में, इन इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी और इस वजह से अतिरिक्त सुरक्षा बल यहां पर लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर चुनाव के दिन इस तरह की एक तस्वीर हमारे सामने है। रोहित, आमतौर पर हम देखते हैं कि जहां पर संघर्ष, जहां पर मुकाबला कांटे का होते जाता है, वहां पर संघर्ष की इस तरह की तस्वीरें ज्यादा सामने आती हैं। इस समय क्या बाकी इलाकों में और उस खास जगह पर स्थिति अब नियंत्रण में है? क्या बताया जा रहा है? क्या अतिरिक्त फोर्सेस को भी बुलाया जा रहा है? रोहित से हम आगे बात करेंगे, उनसे फोन अभी हमारा कट गया है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ के कई लोग इसमें आपको घायल नजर आ रहे हैं। टकराव की ऐसी खबरें वहां से आम हो चली थी। कूच बिहार को लेकर बार बार ये आशंका जताई जा रही थी कि जितने भी वहां पर अलग अलग चुनाव क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की घटनाओं की आशंका है और इस वजह से कोशिशें की जा रही थी, लेकिन फिर आज टीएमसी की तरफ से पहले आरोप लगाया गया कि उनके पोलिंग एजेंट को, टीएमसी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके बाद ये तस्वीरें हमारे सामने आई है। तस्वीरों में कारतूस, देसी बम, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। हिंसक झड़प ये हुई है। देसी बम, कारतूस, सारी चीजें जो कि पहले भले ही सामान्य हो सकती थी रोहित, लेकिन आज के दौर में जितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जितने चरण का इस मतदान को किया गया उसमें बहुत चौंकाने वाली है ये तस्वीरें। बिल्कुल श्वेता, ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि बंगाल में हालात जो है इतने कई सालों में बदले नहीं हैं और अब तक जो है हिंसक झड़प जो है वो लगातार देखने को मिलती है, खासकर चुनाव के दौरान। और सीतलकुची की ये तस्वीरें हैं, बूथ संख्या 265 की, वे बेहद ही डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जो है, थोड़ी देर पहले मैं बताऊँ कि ये हिंसक झड़प हुई थी, किस वजह लेकर ये झड़प हुई है इसके बारे में कुछ पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प हुई, मारा पीटी तक की नौबत आई। हाथों में तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में लाठी और बल्ला लेके जो है जो लोग हैं वहां पर दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तौर पर जो है यहां पर हालात जो है वो बिगड़ चुके थे और उसके बाद पुलिस को जो है वो लाठी चार्ज तक करना पड़ा है हालात को नियंत्रण में लाने के लिए। तो बेहद इस वक्त सीतलकुची के जो हालात हैं वो बेहद ही जो है इस समय तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि वहां पर किस तरीके के अतिरिक्त बल भेजने की बात जो है वो यहां पर की जा रही है, लेकिन ऐसी हिंसक तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रही हैं। और कूच बिहार में कई विधानसभा से शिकायतें भी आ रही हैं तृणमूल की तरफ से कि उनके पोलिंग एजेंट्स को नहीं घुसने दिया जा रहा है, और हिंसक झड़प की तस्वीरें जो सीतलकुची से देखने को मिली है ये बेहद गंभीर मामला है। श्वेता, तो शक्ति का जो संतुलन लोकसभा के क्षेत्र के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा देता है संसद तक, और विधानसभा में दबदबा रह जाता है तृणमूल का, वो संघर्ष क्या हमें इस समय मैदान में नजर आ रहा है? क्योंकि जब कांटे का मुकाबला कहते हैं होता है तब इस तरह की झड़पें ज्यादा होती हैं, लेकिन ये देसी बम दिख जाना, ये कारतूस दिख जाना, यानी इतने दिनों तक क्या इसकी ही तैयारी हो रही थी कि चुनाव का दिन आएगा उस दिन के लिए? क्योंकि ये अचानक किसी भावावेश में इस तरह की चीज होती तो ये चीजें कम से कम नहीं नजर आती सामने। रोहित,
जी बिल्कुल श्वेता, ऐसा लगता है कि इस बात की तैयारी थी और हिंसा हमेशा हमें देखने को मिली है कई जगहों पर। और दो दिन पहले इसी इलाके में, जैसे कि मैंने बताया पिछली बार भी, दिलीप घोष यहां पर आए हुए थे प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी कैंडिडेट के लिए, और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। एक तरीके से जानलेवा हमला उन पर भी किया गया था, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे। तो ये दो दिन पहले की घटना है, और दो दिन बाद जब आज चुनाव हो रहे हैं उसी इलाके में, तो इस तरीके की जो हिंसक झड़प की तस्वीरें आ रही हैं, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला है और मामला काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। और जैसा कि आपने बता रही थी, 2016 में कूचबिहार की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें 8 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं 2016 की बात करें तो ये एक तरीके से तृणमूल का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में एक तरीके से जो परिवर्तन की लहर यहाँ पे बही और तृणमूल से बीजेपी में आए हुए जो नेता थे निशित प्रमाणिक, वो लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे, लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता और कूच बिहार से वो लोकसभा के सांसद बने। उसके बाद बीजेपी को ये एहसास हुआ कि उत्तर बंगाल का जो इलाका है, जो काफी निर्णायक साबित होता है चुनाव दर चुनाव, वो वहां पर जो है अपने आप को मजबूत स्थिति में ला सकती है। और शायद यही वजह है कि आज बीजेपी यहां पर एक मजबूत स्थिति में है। तृणमूल पहले से ही 2016 से यहां पर उसको अपना गढ़ मानती आ रही है, और इसीलिए इस कांटे की टक्कर की वजह से ही जो है इस तरीके की हिंसक झड़प और तस्वीरें जो है वो सामने देखने को मिल रही है। श्वेता, नहीं, और इस कानून व्यवस्था के हिसाब से खुद को टटोलना भी होगा, यहाँ की तैयारियों को भी टटोलना होगा और सबको टटोलना होगा, इसीलिए क्योंकि जो तस्वीरें, दो तस्वीरें हम रोहित इस समय दिखा रहे हैं, उसमें एक तरफ तो जो चुनावी हिंसा है वो है, दूसरी तरफ वो तस्वीर है जिसमें बिहार से अपराधियों का पीछा करते हुए एक थानेदार जब बंगाल की सीमा में प्रवेश कर गए, तो बंगाल की सीमा में घुसने के बाद अपराधियों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। सीधे तौर पर इस क्षेत्र को, अगर उत्तरी बंगाल के हिस्से को समझिए, तो एक उत्तर के इलाके में आपका नेपाल हो जाता है, नीचे आप चंद किलोमीटर जाएंगे तो बांग्लादेश की सीमा लग जाएगी, एक छोर पर बिहार की सीमा भी लगती है। तो बिहार की सीमा से जब एक पुलिस वाले, एक पुलिस अधिकारी पीछा कर रहे थे अपराधियों का, तो उन अपराधियों का पीछा करते करते वो पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल हो गए। जो ही पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल हुए, अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पुलिस अधिकारी को पीट पीट कर मार डाला है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर आशंकाएं शुरुआत से थी, और इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि 8 चरण में चुनाव हो ताकि स्थिति सही से नियंत्रण में रहे, लेकिन ये चौथे चरण में ये तस्वीरें आपके सामने कूचबिहार से। कूच बिहार की इन तस्वीरों पर, कूच बिहार की इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन सिंगूर आपको लिए चलते हैं। मौसमी, सिंगूर में क्या सब शांतिपूर्ण चल रहा है, वहां के अलग अलग बूथों से क्या खबर आ रही है? देखिए श्वेता, आपको बता दें कि कूच बिहार में जो हिंसा देखने को मिल रही है उसके विपरीत, उसके उलट सिंगूर में अभी जो जानकारी मिल रही है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे जैसे दिन चल रहा है तो थोड़ी जो कतारें हैं वो कम हुई हैं, अमूमन सुबह तड़के ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और उसके बाद शाम को लगभग 4 बजे के बाद ये रफ्तार और पकड़ती है। पर जो तस्वीरें यहाँ पे आप देखिए, छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ आ रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे मतदान करने आ रहे हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए, लगभग 2,31,000 वोटर हैं सिंगूर में ही अगर आप बात करें तो, और सब लोग जो है काफ़ी जागरूक है। बंगाल में अमूमन श्वेता मतदान जो है विधानसभा चुनावों में 80 पार जाता है, कभी 80 से कम प्रतिशत नहीं गया, और यही वजह है कि आप जो कतारें देखते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होती हैं बंगाल में। सिंगूर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है, कलकत्ता से महज 45 किलोमीटर की दूरी है, पर यहाँ पे कतारों का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होता। अमूमन जब गर्मी बढ़ती है तो कई कई बूथों पर आप किन्हीं और राज्यों में जाएंगे तो कम भीड़ नज़र आएगी, पर यहाँ पे आप देखिए तो लगातार वोटर आ रहा है और लगातार यहाँ पे चेकिंग भी चल रही है, जांच भी चल रही है। ये एक आइडियल बूथ है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सजाया भी गया है इसको, और ये दूसरा ऐसा विधानसभा चुनाव है बिहार के बाद
जो कोरोना काल में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेकिंग मास्क की भी हो रही है, जो बिना मास्क के आ रहा है उसको वापस लौटाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पे जो लगातार दिन रात चुनाव शांतिपूर्ण हो उनकी उसकी कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। युद्ध स्तर पे यहाँ पे फौज को भेजा गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा गया है, और जिस तरह से कूच बिहार में जो हम लोग को देखने को मिला, गनीमत है कि यहाँ सिंगूर में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। पर अगर सियासी मुकाबले की बात करें श्वेता, तो कड़ी टक्कर है यहाँ पे, लगातार तृणमूल का गढ़ रहा है। 2001 से जो कहते हैं मास्टर मुशाए, 2001 से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतते आए हैं, और इस बार वो भाजपा से लड़ रहे हैं। वो खुद 80 से ज़्यादा की उनकी उम्र है, और इस वजह से तृणमूल ने उनका टिकट काटा था और उनको चुनौती दे रहे हैं बेचाराम मन्ना। तो देखना ये होगा कि आखिर दोनों जो तृणमूल से उन्होंने अपनी शुरुआत की और अब आमने सामने हैं, दोनों सहयोगी थे और अब आमने सामने हैं, आखिर किसके पक्ष में वोट जाता है। पर कुल मिला के अभी मतदान जो है यहाँ पे श्वेता, वो बहरहाल नॉर्मल गति से चल रहा है। ये कई इलाकों की यही कहानी, डोमजूर की भी यही कहानी, जहां हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, जहां पर टीएमसी के की तरफ से पलायन हो गया है बीजेपी की ओर, यहां तो मंत्री भी रहे, तो यहां सीधे तौर पर हिमांशु अगर हम देखें तो ये चुनाव एक ऐसी परीक्षा भी रहेंगे जो ये तय करेंगे कि क्या चुनाव से पहले पार्टी बदल लेना एक निर्णायक कदम होता है, क्या एक कारगर कदम होता है, क्या एक श्योर शॉट फॉर्मूला होता है जीत का। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर बहुत टकटकी लगाए देखेगी कि क्या जो टीएमसी की ओर से उसकी ओर पलायन हुआ है वो उसके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। देखिए बिल्कुल इस कड़ी में देखा जाए तो श्वेता, बिल्कुल बीजेपी के लिए हमेशा ये फायदेमंद रहा है कि दूसरी पार्टियों से छोड़कर आए हुए नेता अगर उनकी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादातर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जीत का रहता है। हमने ये देखा है यूपी में, कर्नाटक में, राजस्थान में, गुजरात में, सब बूथ में एजेंट बैठे हैं। कल रात तक कहा गया था एजेंट को बैठने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वही वोटर आ रहे, वोट डाल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। जनता अपना, जनता जनार्दन है, वो वोट डालेगी। लेकिन आप देखो मैदान में कौन है, मैं तो कोई लोग को लेकर नहीं घूमता हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ लोग जुड़ जा रहे हैं। और इस कॉन्टेस्ट को कैसे देखते हैं आप, क्या काफी कॉन्फिडेंट है कि ये सीट आप जीत पाएंगे? बिल्कुल, लोग सब पूछ, हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप मार्केट प्लेस में, बाजार में कहीं भी जाके पूछो तो देखो। अभी मैं वहाँ अंदर इसलिए गया, बूथ तो नहीं है वहाँ पे, एक शख्स जो पहला वोट डाले उम्रदराज हैं, वो बैठे हुए हैं कि कैंडिडेट को बुलाओ, हमसे मुलाकात करना है, तो मैं गया मिलने के लिए, लोगों के प्रेम है। तो आप लोगों से जुड़ने की कोशिश में है? मैं जिंदगी भर यही किया हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ। लोग जो हमसे एक कदम आगे बढ़ चलते हैं तो मैं दो कदम आगे बढ़ता हूँ, जो हमसे हाथ मिलाते हैं मैं उसे गले मिलता हूँ, जो हमारे साथ दो कदम चलने के लिए तैयार होते हैं मैं उसके साथ सारा जिंदगी चलता हूँ। और स्टार कैंडिडेट यहाँ पे कितना बड़ा फैक्टर है? आप स्टार स्टार बोलते, स्टारलेट को स्टार नहीं बोलना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड स्टारलेट। अब जो भी बीजेपी का चला जाएगा वो स्टार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो जो जो छोटा चोर था वो अगर बीजेपी में चला गया तृणमूल से तो वो बड़ा चोर हो गया, तो छोटा आर्टिस्ट अगर बीजेपी में चला गया तो बड़ा आर्टिस्ट हो जाएगा, उसको तो आर्ट दिखाना पड़ेगा अपना। तो वो थे मोहम्मद सलीम, और उन्होंने कहा कि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि ये सीट से जीत पाएंगे, और स्टार पावर की जो बात कही उन्होंने कि यहाँ पे वो बड़ी ये बड़ा मैटर नहीं है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश में है और वही बड़ा फैक्टर है। कैमरा पर्सन रक्तम दास के साथ प्रेमा राजाराम चंदीतला, आज तक। मोहम्मद सलीम जो कि मैदान में है और उनके सामने चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो एक स्टार हैं, पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन वो स्टार और स्टारलेट की बहस में समय उलझाना चाह रहे हैं। लेफ्ट भी अपना बहुत कुछ झोंक रहा है, उसका बहुत कुछ दांव पर है कि एक समय 34 साल जिसने शासन किया, क्या एक बार फिर उसकी वापसी हो सकती है, या फिर कुछ हद तक भी वो जमीन अपनी यहाँ पर तलाश सकते हैं या नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच राजनीति का आरोप प्रत्यारोप किस तरह से चल रहे हैं आपको सुनाते हैं। जी, यहाँ पर निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये आगे और पीछे दोनों ओर जो हुजूम है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बंगाल की जनता जुड़ी हुई है। लाभ नहीं, बीजेपी जीतवे ना, बीजेपी जीतवे ना, बीजेपी जीतवे ना।
আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমি যদি পাবলিক চিনে থাকি, একটা সিটও বিজেপি পাবে না, সেই জায়গায় বিজেপি কে নিয়ে যান। हमारे कार्यकर्ता ऊपर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत दो तीन दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ। और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। बीजेपी आज गायर जोरे अशांति करछे आर मदददाता किछु ताबेदार आछे, उमेदार ताबेदार। कल के ओ आमार तुई जदि एमनितेई जितबि तारे तृणमूलेर पार्टीके मारछिस केन? कल के ओ आमार तृणमूल कांग्रेसेर पार्टी माथा घुमा माथा भांगाय आरामबागे लड़ते गिएछिलो, ताके मेरेछे, तार सिक्यूरिटीर माथा फाटिये दिएछे। মানুষ গোঘাটে তাকেও মেরেছে। জিজ্ঞেস করুন নন্দীগ্রামে, আজকে আমি যে ছেলেটার কথা বারবার বলছিলাম, সেই ছেলেটা আজকে মারা গেছে। ট্রমা সেন্টারে যে ছিল মান্না, ও আজকে মারা গেছে। কে মেরেছে? বিজেপি মেরেছে। জো লোগোঁ কো হার সামনে দিখতি হ্যায় ওহি লোগ ইতনে সংবিধানিক পদোঁ পর রহ করকে ইতনি গ্যার জিম্মেদারানা বাত করতে হ্যায়। মমতা জি রাইট ফ্রম ভেরি বিগিনিং She is trying to create a wrong narrative for the people of Bengal, which has been totally rejected by the people of Bengal. जो हारे हुए खिलाड़ी हैं उनके वक्तव्य हो सकते हैं, यह उनकी बौखलाहट बोल रही है। उनमें जो कड़वाहट है वो निकल करके आ रही है, क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है। মাঠের বাইরে বের করা হবে, তাহলে মনে রাখবেন খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপি খালি হবে, খালি হবে, খালি হবে। বিজেপি মনে রেখো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। খেলবো, লড়বো, গড়বো, জিতবো, বিজেপিকে হারাবো। খেলবো, লড়বো, গড়বো, জিতবো, বিজেপিকে হারাবো। এই বাংলায় বিজেপির স্থান নেই, এই বাংলায় বিজেপির স্থান নেই, এই বাংলার বিজেপির স্থান নেই। ममता बनर्जी चाहे फुटबॉल के साथ नजर आ जाएं या फिर हर एक नारा अनुपम अपना दे दे, चाहे खेला हो बे वो बोले या फिर ये कौरबो लौटबो जीतबो, सारी चीज़ें ये खेल से एसोसिएट होती हैं। और जहां पर आप खड़े हैं वहां तो खेल के मैदान के जो सबसे बड़े दिग्गज कहे जाते थे जगमोहन डालमिया, जिनको सारे तार तय करने, सारे ये तय करना कि किस तरीके से एक खेल से मैक्सिमम बेनिफिट निकाला जा सकता है, उनकी बेटी चुनाव के मैदान में है। खेला तो वहां पर भी हो रहा है जी। बिल्कुल श्वेता, खेला होबे की जो व्याख्या दी गई थी टीएमसी की ओर से वो भी मैं बता दूं फिलहाल, लेकिन मैं आपको कतार दिखाता चलूं। काफ़ी लंबी कतारें सुबह से ही हमें देखने को मिल रही हैं और ये सब शहरी क्षेत्र हैं, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना में भी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस बार चुनाव हो रहा है। तो खेला होबे का जो व्याख्या टीएमसी की ओर से दी गई थी कि गेम ऑन, वो किस लिए दी गई थी, क्यों दी गई थी, उसकी भी व्याख्या की गई है टीएमसी की ओर से। कहा गया कि जब बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू किया तो शुरुआत में ही बीजेपी ने कह दिया कि हम 200 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। तो एक टीएमसी की ओर से कहा गया कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि हम पहले से ही जीत चुके हैं, खेल होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए इस कोनोटेशन, इस खेला होबे नारे को दिया गया कि गेम इज ऑन, खेला होगा, हम भी खेल में हैं। तो ये जब नारा जब दिया गया तो इसके पीछे की व्याख्या इस तरह से ही दी गई कि खेला अभी भी जारी है, खेला खत्म नहीं हुआ है। तो वही हम देख रहे हैं, खेला यहाँ पर चल रहा है, जारी है, और इसका जो खात्मा होगा, समाप्ति होगी, वो 2 मई को होगी। तब पता चलेगा कि खेल में कौन भारी पड़ा है और जो गेंद है वो किसके पाले में ज्यादा रही है। श्वेता जी, खेला होबे कि खेला शेष होबे, लेकिन खबरें अभी बहुत शेष हैं, तो इस ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।